हेलो एवरीवन, दिस इज शेख सोफिया, एक करियर काउंसलर, कोच, होस्ट और आपका दोस्त। वंस अगेन आई केम बैक विद अ न्यू कॉलेज सीरीज, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट कॉलेजेस अक्रॉस द महाराष्ट्र, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, सो दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट दिस कॉलेजेस और ये वीडियो से ज्यादा वो बेनिफिट ले सके। अभी ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्टली हम वीडियो के और बढ़ते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हूं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट तो आपके कॉलेज का प्रीरिक्विजिट रहेगा, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं यूजी दैट इज इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है ये कॉलेज के लिए, और थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्सेस की फी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में देखेंगे, और लास्ट पार्ट में दैट इज फोर्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी आगे बढ़ते हैं। पार्ट वन के अंदर हम देखने वाले हैं जीको इरा पुणे के प्रीरिक्विजिट्स के बारे में। तो जीको इरा पुणे का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसारी पुणे, जो कि लोकेटेड है अवसारी खुद के अंदर। इट इज अवे फ्रॉम द पुणे, दैट इज 65 किलोमीटर के देरी पर आता है, 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है फ्रॉम द पुणे सिटी, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2009 की। वही एफिलिएशन यूनिवर्सिटी की बात करें, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की, तो एफिलिएशन है इस कॉलेज का विद द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SPP यूनिवर्सिटी। ये दो कॉलेजेस आते हैं जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आते, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस है। एक तो COEP पुणे और सेकंड वन इज द जीको इरा अवसारी पुणे का। सो ये एक नोट डाउन करवा कर रख लेना। उसके अलावा कि हम रिकॉग्निशन की बात करें, तो 5 डिफरेंट बॉडीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि UGC, NBA, NIRF, DTE और AICT, जैसे 5 डिफरेंट बॉडीज ने जीको इरा अवसारी पुणे को रिकॉग्नाइज किया है। पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे यूजी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स कौन कौन से अवेलेबल है इन जीको इरा अवसारी पुणे के अंदर। सो जो भी एडमिशन प्रोसेस होती है, इट इज थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम आपको एक्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, दैट इज MHTCET एक्सेप्ट किया जाता है इस कॉलेज के अंदर। और वही हम एडमिशन की बात करें तो टोटली मेरिट बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन होता है। सीट मैट्रिक्स की बात किया जाए तो 66 अवेलेबल होते हैं फॉर ईच ब्रांचेस, और ब्रांचेस की बात करें तो 6 डिफरेंट ब्रांचेस अवेलेबल है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जैसे 6 डिफरेंट ब्रांचेस अवेलेबल है जीको इरा अवसारी पुणे के अंदर। पार्ट थ्री के अंदर हम एकेडमिक फी स्ट्रक्चर ऑफ जीको इरा अवसारी पुणे के एकेडमिक फी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। मैं जो भी आपको डेटा दे रहा हूँ, इट इज अप्लीकेबल फॉर दिस ईयर ऑल्सो एंड फॉर अपकमिंग 1-2 ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि उसका वैरी होता है मोस्टली 1000-2000 के बीच में। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर 1000-2000 ऐड करना पड़ेगा, और इसका कॉस्ट आता है जनरल कैटेगरी का मैं फीस बता रहा हूँ, तो आपको कास्ट वाइज भी चेक करवाना पड़ेगा। तो 25,000 पर ईयर आपको हर एक इंजीनियरिंग ईयर के लिए कॉस्ट बैठेंगे जीको इरा अवसारी पुणे के अंदर। तो उसके अंदर 25,000 प्लस और माइनस 1-2,000 आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एकेडमिक फी स्ट्रक्चर फॉर द जीको इरा अवसारी पुणे का। पार्ट फोर के अंदर हम देखेंगे प्लेसमेंट्स ऑफ जीको इरा अवसारी पुणे के बारे में। सो जीको इरा अवसारी पुणे का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज जो दिया गया है वो 12 LPA lakhs पर एनम में दिया है, और एवरेज CTC की बात किया जाए तो 3.5 LPA का एवरेज CTC दिया जाता है। वही रिक्रूटर्स की हम बात करें तो रिक्रूटर्स बहुत सारे अलग अलग रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे कि TCS डिजिटल, टाटा मोटर्स, विप्रो, कैपजेमिनी, असेंचर, जेंसर और मुख्तलिफ बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं फॉर रिक्रूटिंग द स्टूडेंट्स।
और स्टूडेंट्स प्लेस होते डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की इंटरव्यूज जैसा क्रैक करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ द कैंपस ऑन द कैंपस आईटी फील्ड के अंदर और मुख्तलिफ अलग अलग फील्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स प्लेस होते जिकोइरा अवसारी पुणे के अंदर। तो ये एक ओवरऑल व्यू था जिकोइरा अवसारी पुणे के बारे में। अभी स्टूडेंट्स आपने इस कॉलेज के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देखे है फोर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, लेकिन आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दूसरों तक शेयर भी करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि वो एल्गोरिदम में फिट होता है और उसके क्या बेनिफिट होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसके बेनिफिट लेते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं को आपको करियर रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो रिलेटेड विद दिस कॉलेज या फिर करियर रिलेटेड क्वारीज हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक करियर रिलेटेड जो भी क्वारीज रहेंगी उसको रिजॉल्व करने की। या फिर आप नीचे दिए गए ईमेल के ऊपर भी मुझको मेल कर सकते हैं, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो ईमेल आईडी भी दिख जाएंगी, वहां पर जाकर मुझको मेल कर सकते हो आप, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर करियर रिलेटेड इश्यूज। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।